तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, दोस्तों आपको रुलाने वाले अब वे खुद खून के आंसू रोएंगे। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों की बर्बादी शुरू हो गया है, क्योंकि तुला राशि वालों अपनी मनमानी बहुत कर लिया, अब और नहीं, अब आपकी जिंदगी में होगा वही जो राम रची रखा है। जी हाँ तुला राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिनों में जो कांड आप अपनी आंखों से देखोगे, तुला राशि वालों देखकर आप भी दंग रह जाओगे। जी हाँ तुला राशि वालों, एक कहावत है, कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकते हो लेकिन फल भोगने में नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा गया है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। समय का पहिया पूरी तरह से घूमने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ग्रह गोचर काफ़ी प्रभावशील है, आने वाले अगले 3 दिन आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, विद्यार्थियों के लिए व अन्य सभी क्षेत्रों के लिए कौन कौन से परिणाम लेकर आने वाले हैं, अगले 3 दिन तक क्या सावधानियां बरतनी होगी, कौन से उपाय करनी है, किन बातों का विशेष ध्यान में रखनी है, इन सभी के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे और तुला राशि वालों आपको बताएंगे। आपसे बस इतना ही अनुरोध है, अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले बाबा महाकाल के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, कालों के काल जय श्री महाकाल लिखेगा, उनके जीवन में ना रहेगा कोई दुख और ना कोई जंजाल। तो तुला राशि वालों आप जरूर लिखिएगा। आइए तुला राशि वालों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर अनमोल विचार से। देखिए तुला राशि वालों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली चरित्र सामने तब आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का, जब आप किसी के साथ गलत करोगे तो अपनी पारी का भी इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। दोस्तों बात अगर आपको समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से कहिएगा राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चलिए तुला राशि वालों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तुला राशि वालों, दोस्तों यह समय आप अपने कामों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने का प्रयास करें, इससे आपको अपने मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। व्यवसायिक दृष्टिकोण रखें, नज़दीकी मित्रों का बेहतरीन योगदान मिलेगा। जो लोग आपके खिलाफ थे, आपके दुश्मन थे, वे भी अब आपके पक्ष में आएंगे और तारीफ करेंगे। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय भावनाओं में बहकर किसी के साथ भी जल्दबाजी में कोई प्रोमिस ना करें, वरना लोग आपके इस स्वभाव का नजायज फायदा उठा सकते हैं। बच्चों को उनके मन मुताबिक कार्यों में कुछ समय व्यतीत करें और इससे आपका और उनका बौद्धिक विकास बेहतरीन तरीके से होगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय आपके अच्छे व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता की वजह से सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। कुछ समय आत्ममनन और चिंतन करने में भी जरूर व्यतीत करें, इससे आपको अपनी उलझनों का समाधान मिलेगा। पारिवारिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से समय लाभदायक है, किसी भी तरह की आवाजाही इस समय आप न करें, क्योंकि दोस्तों इसमें समय और पैसा व्यर्थ होने के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। ध्यान रखें कि प्रत्येक गतिविधियों में स्वयं की कार्य क्षमता पर विश्वास भी रखना बेहद जरूरी है। दूसरों की बातों में आकर आप नुकसान कर सकते हैं, इसलिए आप दूसरों की बातों में ना लगें, यही आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आप अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। किसी नज़दीकी संबंध से कहा सुनी होने की वजह से चिंताजनक स्थिति बन सकती है, इस समय शांत बने रहना भी उचित है। किराएदार संबंधित मामले सुलझने में भी अभी समय लगेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों दिन की शुरुआत
किसी खास समाचार से होगी, आर्थिक योजनाएं भी सफल होंगी और आपके दिमाग में नई नई योजनाएं बनेगी जो घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए उचित साबित होंगी। इसके उपरांत शॉपिंग आदि में भी मधुर समय व्यतीत होगा और कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें, इससे मानसिक सुकून मिलेगा। ईश्वर भक्ति पूजा पाठ में आपको अधिक से अधिक ध्यान लगाना है, इससे आपके अंदर जो है नेगेटिविटी ऊर्जा यानी कि नकारात्मक ऊर्जा है आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बहुत अधिक मेहनत व थकान की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ापन हो सकता है, लेकिन आपको इसी में कंट्रोल रखना है। लोगों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास ना करें, जितना हो सके खुद अपनी निगरानी में रहकर ही कामों को करवाएं तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी के भी भरोसे अभी आप कोई भी कार्य ना छोड़ें, अन्यथा नुकसान की स्थिति आपकी बन सकती है। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, बहुत ही व्यस्तमपूर्ण दिनचर्या रहेगा और आपको अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम भी हासिल होंगे। आपको तनाव लेने से अभी बचना चाहिए। आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और प्रॉपर्टी खरीद परोख कोई कार्य है तो आप संपन्न होने की पूरी ज़्यादा संभावनाएं बन रही है। पारिवारिक माहौल में चल रहे तनाव को आपसी सहयोग द्वारा सुलझाने की कोशिश करें। निकट संबंधी को आपकी भौतिक व भावनात्मक रूप से मदद की जरूरत पड़ सकती है, परंतु दूसरों की मदद के साथ साथ अपने कार्यों पर ही ध्यान दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय कारोबारी मामलों में ज़्यादा सुधार की उम्मीद नहीं है। व्यवसायिक प्रतिभा में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। अगर आपके घर में कोई माता पिता है या फिर बड़े बुजुर्ग दादा दादी है तो उनकी आप आशीर्वाद ले लें, उनसे राय ले लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कौन से काम कैसे होना है, किस काम में नुकसान होगा, किस काम में आपको लाभ होगा, यह सभी चीज़ें उन्हें पता है, इसलिए उनकी राय ज़रूर ले लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑफिस में किसी संबंधी के साथ मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, बेहतर होगा कि अपने कार्यों में ही मनन रहें और उसी में आप अपना ध्यान लगाएं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी उचित व्यस्तता के उचित परिणाम सामने आएंगे। स्टाफ तथा कर्मचारियों के साथ बेहतरीन तालमेल बना रहेगा। साझेदारी संबंधित कार्यों में आपसी संबंध उचित बनाए रखने के लिए बहुत ही धैर्य की जरूरत है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, यह समय घर में सुख शांति और अनुशासित माहौल रहेगा। किसी मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें भी ताज़ा होगी, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि इस समय व्यर्थ के प्रेम संबंधों से या फिर गलत रिलेशन से दूरी बनाकर रखना आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा, एक दूसरे में खुशियाँ बनी रहेगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय देखिए सेहत आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगा, जैसे कि थकान और बुखार जैसी परेशानियां अभी आपकी थोड़ी बहुत रह सकती है। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत